तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सीधा सीधा निशाना साध दिया है नीतीश कुमार और बीजेपी पर। नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री भारत। देखिए, आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा के दौरान समस्तीपुर से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और समस्तीपुर में एक जो बयान दिया है उससे पूरे बिहार में भूचाल आ गया है। क्या है वो बयान, क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, क्या कुछ उस मुद्दे पर बाकी राजनीति भी हो रही है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं कि जन संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने लोगों को अपने रणनीति के बारे में बता भी रहे हैं और लोगों से रणनीति में अपना हिस्सेदारी देने के लिए भी बोल रहे हैं। और लोग यानी कि कार्यकर्ता जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के या फिर कुछ इंडिया गठबंधन के भी जो लोग हैं वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, और वो लोग सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं उनको बता रहे हैं कि क्या कुछ आगे मुद्दों पर चुनाव को लड़ा जाए, किस मुद्दे पर पूरे बिहार की राजनीति में अपना कदम आगे रखा जाए, किन मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरा जाए, किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जाए। तो देखिए, इसी सब मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने एक सीधा सीधा निशाना साध दिया है नीतीश कुमार और बीजेपी पर, और कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जो अभी चल रही है वो सरकार जो है गरीबों से, पिछड़ों से और जो लोग बिहार के हैं उन लोगों से वसूली कर रही है। वसूली किस मायने में, वसूली बिजली बिल के भुगतान के मामले में। उन्होंने कहा है कि जो बिजली बिल आजकल आता है, ये देखिए जो बिजली बिल आपको नज़र आ रहा है, ये बिजली बिल महीने में करीब 4,000-5,000, किसी का 10,000, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो इस तरह का बिजली बिल आ रहा है आज बिहार में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो बिजली बिल है, पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से ये सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। ख़ास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, आहत हैं। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो है काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में, लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, जब मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लागू करेंगे। वो पूरे देश में जो बिजली बिल चलता आ रहा है उसमें कई, उसमें सबसे महंगा है या फिर सबसे महंगे रेट पर मिलने वाले जो बिजली बिल कई राज्यों में मिलता है उनमें से एक राज्य बिहार भी है, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। और उन्होंने चेताया है नीतीश सरकार को कि आगे जब हमारी सरकार बनेगी तब हम बिजली बिल को माफ़ करने वाले हैं। बिजली बिल कितना यूनिट तक माफ़ होगा, तो इस पर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ़ कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि आजकल किसान और गरीब परिवार या कोई भी परिवार हो बिहार में,
वो बिजली बिल की समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा आहत है। उन लोगों से बिजली बिल के नाम पर वसूली हो रहा है और वो वसूली उनके बजट को बिगाड़ रहा है। घर चलाने के लिए एक आमदनी जो कर पाता है गरीब परिवार, उस गरीबी में वो परिवार चलाए, घर चलाए या बिजली बिल भरे। और ऊपर से ये जो आजकल आप सुन रहे हैं प्रीपेड मीटर, इस प्रीपेड मीटर पर भी उन्होंने टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसके माध्यम से धांधली हो रहा है, जो भी इसके माध्यम से गलत निर्णय जा, गलत संदेह हो रहा है लोगों को, इस संदेह को दूर करने का काम करेगा अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तब। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। तेजस्वी यादव का ये जो मुफ्त में बिजली देने का योजना की बात की गई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। बाकी आप ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को कर लीजिए फॉलो, और यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय बिहार।